स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आप सभी की ही डिमांड्स पर हम आपके लिए आज की वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि इस नए साल में यानी साल 2022 में आप अपनी कोर्ट मैरिज जल्द से जल्द कहां और कैसे कर सकते हैं, और क्या इस प्रोसेस में किसी प्रकार का नोटिस आपके घर पर जाता है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको साथ लेकर आने होते हैं, विटनेस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, और क्या इस नए साल में किसी प्रकार का चेंज कोर्ट मैरिज को लेकर होना है या नहीं, इन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है और आप सभी के ही सवालों पर बेस है, तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट्स आपको समय पर वीडियो के रूप में मिल सके। तो साथी, यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि कोर्ट मैरिज या मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की की जो कानूनन उम्र होती है वो लड़के की 21 प्लस होनी चाहिए और जो लड़की होती है उसकी 18 प्लस। जैसे कि कपल्स के द्वारा कॉल करके हमसे बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या जो लड़कियों की कानूनन उम्र है शादी करने के लिए वो 18 से 21 हो चुकी है या नहीं, तो हम आपको बता दें, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी इसको बार बार क्लियर किया है कि अभी जो लड़कियों की कानूनन उम्र है शादी करने के लिए वो 18 ही है, यानी जैसे ही लड़कियां 18 प्लस हो जाती है यानी 18 उम्र कंप्लीट कर लेती है वो शादी करने के लायक हो जाती है कानूनी रूप से। फिलहाल अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, तो तब तक के लिए रिलैक्स रहिए। तो चलिए साथियों, अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले मैरिज करने के लिए कपल्स के पास उनका आधार कार्ड होना जरूरी है, जो एड्रेस प्रूफ के रूप में काम आता है। इसके अलावा एज के प्रूफ के रूप में आपके पास हो सकती है आपकी 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या पासपोर्ट आदि। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड के साथ मैरिज करने के लिए चाहिए होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उस समय ओरिजिनल लाने होते हैं, ताकि जो मैरिज रजिस्ट्रार सर है वो इन्हें वेरीफाई कर सके। तो साथियों, विटनेस की बात करें तो विटनेस के रूप में कपल्स के पास दो व्यक्ति होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 प्लस हो वो विटनेस कोई भी हो सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, उनके दोस्त या फिर कोई भी उनका जानकार। बस ध्यान दीजिएगा, उनकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए और एज प्रूफ के रूप में उनके पास उनका पैन कार्ड या फिर 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, और आधार कार्ड लाना उनके लिए भी जरूरी है। तो साथियों, अगर आप भी अपनी मैरिज करने का डिसाइड कर चुके हैं और इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, आपकी जो उम्र है वो कानूनन रूप से पूरी है मैरिज करने के लिए, और आप जल्द से जल्द अपनी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज को करना चाहते हैं, वो भी बिना घर में नोटिस जाए, तो हम आपको बता दें कि ऐसा पॉसिबल है। आप यूपी के गाजियाबाद आकर अपनी मैरिज करके उस मैरिज को सेम ही डे रजिस्टर्ड करके उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को यानी सरकारी सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 3 घंटे के अंदर ही बिना किसी नोटिस के। और साथियों, इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप यूपी के गाजियाबाद के अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ या मुंबई से अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ये सुविधाएं हैं अब इन सभी जगह पर अवेलेबल हैं। जहां मैरिज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उस प्लेस पर आपको अपनी मैरिज परफॉर्म करनी होती है अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आप सबसे पहले पंडित के द्वारा फेरे करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, या आप मुस्लिम हैं तो आप अपना निकाह पढ़वाते हैं, और वहाँ से जब उनको आपको उनका प्रूफ मिल जाता है मैरिज का या निकाह का, उसके बाद प्लेस ऑफ मैरिज के बेस पर आप उस जगह मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में इसके लिए आवेदन करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसके बाद सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने पर मैरिज रजिस्ट्रार सर आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। गाजियाबाद के मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करें वो इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसके नीचे मैरिज रजिस्ट्रार की सील और स्टैंप लगी होती है। मुंबई का मैरिज सर्टिफिकेट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार चंडीगढ़ का सर्टिफिकेट इस प्रकार का दिखाई देता है, और दिल्ली का सर्टिफिकेट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये चारों ही सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल से गवर्नमेंट की वेबसाइट पर उसी टाइम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये नेट में अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी नोटरी या स्टैम्प पेपर पर कोई भी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है
तो आपको ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस पूरी प्रोसेस में किसी भी प्रकार का नोटिस आपके घर पर नहीं जाता है जब तक आप नहीं बताते, किसी को भी आपकी मैरिज के बारे में पता नहीं चलता है। तो उम्मीद है साथियों, आज की जानकारी के माध्यम से कोर्ट मैरिज से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा, चंडीगढ़ या फिर मुंबई में अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।